हेलो फ्रेंड्स नए वीडियो में आपका फिर से स्वागत है इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं कि बैटरी और आइसर इंजन के बीच किस तरह कनेक्शन किया जाता है क्योंकि अगर आप अगर माइनस प्लस अगर उल्टा कर देते हैं तो आपको आइसर इंजन में ये जो देख सकते हैं इसे डायनेमो कहते हैं क्योंकि अगर ये अगर उल्टा पल्टा कीजिएगा तो ये भी खराब हो सकता है साथ में बैटरी भी शॉर्ट कर सकता है जो कि पाँच सात हजार रुपये तक नुकसान हो सकता है तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा हम फुल डिटेल जानकारी देने वाले हैं अगर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं ये जो आप देख सकते हैं यहाँ पर तीन ठो वायर लगा हुआ है ये जो आप देख सकते हैं एक ठो ब्लू में है एक ठो रेड में है एक ठो ब्लैक में है जो ब्लैक में है ये जो डायनेमो में गया हुआ है साथ में ये जो आप देख सकते हैं रेड वाला जो है यहाँ पर ये यह जो आप देख सकते हैं अल्टीनेटर में गया जिससे कि बैटरी चार्ज होता है ये जो आप देख सकते हैं यहाँ पर कनेक्शन यहाँ से दो ठो गया हुआ है जो कि इसी के माध्यम से बैटरी चार्ज भी होता है साथ में ये जो आप देख सकते हैं एक ठो ब्लू वाला है जो भी उसी तरफ गया हुआ है साथ में ये जो आप देख सकते हैं ये जो देख सकते हैं ये प्लस का अगर इसमें अगर टच करता है तो शॉर्ट करने की संभावना होता है वहीं आपको यहाँ पर सेफ्टी से लगाना पड़ेगा साथ में अगर माइनस की बात की जाए तो यहाँ पर ये यह जो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये यह जो तार लगा हुआ है ये माइनस है इसे अगर आप यहाँ पर या यहाँ पर लगाइएगा तो अपने आप इंजन स्टार्ट हो जाता है तो आप भूल कर भी ऐसा गलती ना करें साथ में ये जो आप देख सकते हैं कि इसमें वायर आप कितना मोटा में लगाना चाहते हैं तो इसमें आप सिक्स एम mm एम तांबा के तार से भी चला सकते हैं जो कि मैंने पहले चलाया था पर शॉर्ट कर गया था जिसके कारण मैंने वो जो जो सिक्स एम mm का तार शॉर्ट किया था वो उल्टा पलटा होने के कारण क्या था नहीं तो ऐसे सिक्स एम mm का भी तार काफ़ी है वैसे अगर आप चाहिएगा तो ना इसके लिए स्पेशल भी तार आता है जो कि साठ से अस्सी रुपये फीट तक आता है जो कि बहुत ही हैवी होता है वो भी लगा सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है तो अपना देहाती जुगाड़ ये जो आप देख सकते हैं फोर एम mm का मैंने डबल कर दिया जो कि ये भी बहुत ही यूजफुल है ये जो, तो ये जो आप देख सकते हैं ये जो देख सकते हैं यहाँ से प्लस गया हुआ जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पर बैटिक लगा में लगा हुआ है जो कि आप देख सकते हैं प्लस का चिन्ह यहाँ पर लगा है जो कि प्लस है साथ में आगे वाला कनेक्शन बात की जाए तो यहाँ पर ये जो आप देख सकते हैं यहाँ पर माइनस का लगा हुआ है साथ में ये जो आप देख सकते हैं माइनस का ये जो वायर है जो मैंने डबल किया जिसके कारण कोई दिक्कत नहीं था है बैटरी भी चार्ज करने की कैपेसिटी अच्छी होती है क्योंकि ये तांबे का कोई दिक्कत नहीं हो सकता है अगर बैटरी की बात की जाए तो ये जो आप देख सकते हैं एक साइड कंपनी का बैटरी है जो कि 100 एमपियर का बैटरी है अगर आप चाहिएगा तो 80 या 100 एम का दो में से किसी में आप यूज कर सकते हैं अगर अगर आप 80 एमपियर का बैटरी लेते हैं तो आपको पैंसठ से सात हज़ार तक लग सकता है वहीं अगर आप 100 एमपियर का ल, लेते हैं तो पचहत्तर से आठ हज़ार रुपया तक लगता सकता है पचहत्तर से आठ तक जो कि आप देख सकते हैं मैंने करीब एक साल पहले खरीदा था जो कि चौहत्तर सौ रुपये का ये सौ एम का बैटरी है जो कि काफ़ी बेहतर बैटरी बैकअप है जो कि आप देख सकते हैं अगर छोटा बैटरी लगाते हैं तो आपको इंजन तो चालू कर देगा पर बोलबत्ती में प्रॉब्लम हो सकता है क्योंकि अगर बड़ा बैटरी रहता है तो उसमें ये आपको प्रॉफिट होता है कि ये जो आप देख सकते हैं मैंने छोटा सा क, क, कन्वर्टर लिया है जिसके माध्यम से मैं ये जो आप देख सकते हैं सी मोबाइल चार्ज वगैरह भी करते हैं जो कि आप भी लुफ्फ़ उठा सकते हैं ये जो आप देख सकते हैं अल्टीनेटर है अगर ज़्यादा बड़ा साइज में अगर भी अगर आप बैटरी लेते हैं तो भी नहीं चार्ज कर पाएगा क्योंकि ये छोटा अल्टीनेटर होता है क्योंकि अगर ज़्यादा बड़ा लीजिएगा तो चार्ज करने की कैपेसिटी नहीं होती क्योंकि बहुत सोलो मात्रा में फिर हो जाएगा इसलिए जितना इसका औकात या दम है उतना ही बड़ा अच्छा होता है तो इस बात अगर वीडियो अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो